फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। मैं बल्लांगड़ा पुलिस स्टेशन के ऊपर जॉब करता हूँ। ट्रैफिक पुलिस है, मेरी वाइफ को मारे। ये देखिए, ये मेरी वाइफ को लड़ा के 3-4 औरतें मारे, देखो 4 से 5 मर्द हुए थे, उन लोगों ने मारे। मैं अपनी वाइफ को बचा रहा हूँ, मैं अपने आप को बचा रहा हूँ। एक जना मेरा मर्डर करने के लिए आया, मैं नीचे गिरा तो उन्हें उससे राड से मारा। ये मैं राड से अपना बचाव कर लिया। ये देखिए, अब बचा मेरी बच्ची को मारे थे, 9 साल की बच्ची है, बच्ची मार ली है। मैं जाके कहीं को मारे, बच्ची मेरी डेली वहां से जाती आती, समझा के बात करेंगे, बोल के क्या समझा के बात करेंगे। तक जिसका घर है, जो मारे हम उनसे बात कर रहे हैं, दूसरे बिहारी आके हमको अटैक कर दिए, मेरे को डेनिज के गड़े में डाल के मारे। देखो ये पूरा वही है। तो मैं अपनी देखिए 5 साल से रिकॉर्ड चेक करो बल्लांगड़ा पुलिस स्टेशन में, और इससे पहले चंद्रंगूठा, अभी देखो 5 साल में बिहारियों का बहुत जुल्म हो गया। हम ये नहीं बोल रहे, उन लोगों को सीधा नहीं रह सक रहे, उन लोग हमारे ऊपर जमीन को जान का खतरा है, कभी भी मेरी जान लेता हूँ बोल रहा हूँ। तो मैं बोला हाँ देखेंगे, बोला मैं डरा नहीं, लेकिन जब ये उन्होंने राड से जब मेरे को मारा, मैं अपना बचाव करा, तो जब मेरे को यकीन हो गया मेरी जान जा सकती है, तो जब मैं पुलिस वाला, मैं लोगों की खिदमत करता हूँ, मैं लोगों को मैसेज देता हूँ, मैं करने कैसे, मैं कभी मेरा रिकॉर्ड चेक करो आप, मैं कभी किसी से लड़े झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। मैं बल्लांगड़ा पुलिस स्टेशन में करता हूँ, मैं ड्यूटी करके घर गया, 2 बजे की ड्यूटी कर लेके घर गया, बच्ची ट्यूशन जाके, मैं वॉशरूम लेके लेता कि हो गया। मैं अपना तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बिहारियों का कुछ करो साहब, 5 से 6 साल से बल्लांगड़ा पुलिस स्टेशन में बिहारियों का रिकॉर्ड चेक कर लो। सादत नगर दरगाह, आयशा मस्जिद, करीमुल्ला शाह दरगाह के पास, कलीम कुरैशी मस्जिद के बैक साइड में हुआ है। मैं बल्लांगड़ा पुलिस स्टेशन में कमने लिया आइलैंडो में, कितने की बिहारियां आगे, कम से कम बिहारियां मैं समझता हूँ 12 से 15 बिहारियां हमको मारे वहाँ पे। आप लोगों का वीडियो भी है, लोगों के पास वीडियो है, कोई दुश्मनी नहीं है मेरी बच्ची को समझाने के वास्ते। आखिर क्या बात है, उनके पास समझाने के, जो मारे उनसे लड़े नहीं, दूसरे बिहारियां आके मारे, उनसे बात करे तक, वो बिहारी का एक उनकी गैंग है। और अब ये बोल के नहीं, आप 5 साल का रिकॉर्ड चेक करो यहाँ पे चंद्रंगूठा जगह, रमजान में तक नहीं छोड़े लोग, हर एक मई बोल के नहीं, वो भी जितने भी लोग आए किराए वाले रहते, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करके आप चेक कर सकते हैं बिहार का रिकॉर्ड। मैं वहाँ के लीडर साहब लोगों को भी बुलाया, हमको बचाओ साहब आगे बोल के, लीडर साहब भी आए, लीडर साहब भी वीडियो निकाले, मोबाइल के जवाना के सामने मेरे को गिरा के मारे, लीडर साहब के साथ ये वीडियो है, मैं बोल रहा हूँ भाई। और ये जो मार देख रहे हैं आप, ये मार ये राट का है, ये राट का है, मेरी जान लेने के वास्ते आए थे लोगों, मैं अपने आप बचाव करके मैं पुलिस स्टेशन भाग के आया, तब तक मेरी वाइफ को मार दी। ये देखो पलटो पलटो, पूरी कमर पे फंसने पे मारा है, खतरा है मेरी वाइफ को, मेरे को बस उन लोगों से, या तो उन लोगों को वहाँ से हटा के दूसरी तरफ शिफ्ट करो साहब, हम यहाँ की जान को खतरा है, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मेरी जान को खतरा है। पूरी गैंग है, वो हमारे के आदमियों को ऐसा कर सकते हैं, तो आम आदमी को क्या नहीं कर सकते। गली में कई लड़ाइयाँ होते, हम जाके छुड़ाते, हम बीच में कई बार हमको पुलिस को फोन करके बोले यहाँ लड़ाई हो रही है, जल्दी आओ। इससे पहले भी ऐसी अटैक करे, बच्ची को रोज लड़ाई हो रही है, मार रहे। मैं बोली अपनी बच्ची है, समझा लेना, नहीं बेटे जान दो, अपने रस्ते से जाओ। आज तो बच्ची बहुत रोई, गला दबा दिए, खतरों से मारे, पीठ पे निशाना पूरे है बच्ची के, पूछने गए सामने, वो बच्ची की माँ से मैं बात करी था, तो पीछे से 4 औरत आके मेरे ऊपर अटैक करे, मारे, बालां खींच के नीचे से लिड़ा के मारे, इनको पूरा 6-7 आदमियां मिलके मारे, आदमियां भाग, मैं जाके हमारी ननन की सबको बुला के लाई तक, उन लोग आदमियां पूरा गायब हो गए, ये औरत अपना अपन मार लिए, क्या बहुत तमाशे कर रहे हैं इन लोग घर का नहीं, लेकिन मेरे को तो 4-4 ऑपरेशन हुए, पूरा पेट सो पीठ से खुंडल के मारे मेरे को, मैं अब कंप्लेन दी है आगे बल्लांगड़ा पीएस में, रिपोर्ट लिख ली है, FIR पीएस में FIR दर्ज करें, कुछ भी करना है इन लोगों को। आप लोग हैदराबाद के लोग 1000-2000 किराए को दे के बिहारियों को किराए को घर नको दियो, इन लोग पूरी गंदगी फैला रहे और पूरी गैंग बना ले रहे हैं इन लोग, हैदराबाद वालों को डरा के दबा के रख रहे हैं इन लोग को किराए को। मैं हैदराबाद वालों को बोल रही हूँ, ये बिहारियों को घर दियो ही नको,